नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी दुखित खबर सुनने को मिलता है कि अराउंड हमारे 22 जवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं और अराउंड 30 यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये घटना कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ। सैटरडे को हमको सुनने को मिला था कि एक फियर्स गन फाइट हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सल के बीच में, जो चला था अराउंड 3 आवर्स के लिए, और उस दौरान हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और संडे को हमको यहाँ पर पता लगता है कि और 17 जवान हमारे मारे जा चुके हैं और अराउंड अभी तक 22 जवान हमारी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और माना यह भी जा रहा है कि जो यहाँ पर माओइस्ट वोमेन लीडर थी वो भी यहाँ पर मारी जा चुकी है और अभी तक अराउंड हमारे 30 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड है। और यहाँ पर जो ANA के रिपोर्ट की माने तो अराउंड 2 दर्जन वेपन्स सिक्योरिटी पर्सनल के नक्सल्स ने लूट लिया है आफ्टर द इनकाउंटर। ये घटना हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया पर। और छत्तीसगढ़ का बात कर ले तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर और वो सराउंडेड है, छत्तीसगढ़ सराउंडेड है विद मध्य प्रदेश, UP, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और मैप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है जो रेड मार्क एरिया है वहाँ पर माओइस्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और नीचे आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट, सुकमा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर एक जगह पड़ता है जूनागुड़ा, वहाँ पर काफ़ी घने जंगल है। वहीं पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सल्स के बीच में एक फियर्स गन फाइट हुआ था। इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था फ्राइडे नाइट को जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया था एक मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन इन साउथ बस्टर फॉरेस्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रिपोर्ट था कि यहाँ पर मादमी हिदमा है जो कि टॉप नक्सल लीडर है, जो कि लिंक थी 2013 की झिमरन घाटी किलिंग्स में, जिसमें अराउंड 30 लोगों को मार दिया गया था इंक्लूडिंग सीनियर लीडर ऑफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ रिपोर्ट था कि ये जो लीडर है टॉप नक्सल लीडर वो छुपी हो सकती है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने लॉन्च किया था जॉइंट ऑपरेशन इन 5 प्लेसेस, तरेम, उसूर, पामेद जो बीजापुर में है, और मिम्पा एंड नरसापुरम जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पेट्रोलिंग करते हुए तरेम से जा रही थी जूनागुड़ा फॉरेस्ट के अंदर, जूनागुड़ा पड़ता है ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट के पास में, तो वहाँ पर माओइस्ट छुप के बैठे थे शायद, तो माओइस्ट ने अटैक कर दिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर। तो उस दौरान हमारे अराउंड 22 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। और कितना लॉस सफ़र करना पड़ा है माओइस्ट को ये तक, ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। ये काफ़ी बड़ा ब्लो है इंडिया के लिए जिसमें अराउंड 22 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और मैं कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ जितनी भी फैमिलीज इस घटने के बाद अफेक्ट हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे इन सब माओइस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि फ्यूचर में इस तरह का अटैक्स ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया, पसंद आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।